यहाँ पे भी एक आती है। अब इससे ऊपर जाएंगे तो सामने है जयगढ़ किला, तो यार वो रास्ता वहाँ का है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो यार आज है मैं आमेर आया हुआ था किसी छोटे से काम के लिए, तो अभी जो मेरा काम है वो पूरा हो चुका है और अब मेरे पास पूरा दिन बचा हुआ था घूमने के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो आमेर के अंदर कोई एक अच्छी सी जगह घूम ली जाए। तो मेरे बिल्कुल पास में ही आमेर की काफ़ी फेमस टूरिस्ट पॉइंट बिल्कुल पास में था जिसका नाम है आमेर फोर्ट। तो अभी मैं यहाँ पे एंटर हो चुका हूँ और ये जो जगह है ना, ये इस फोर्ट का है जो गार्डन है वो है। तो अभी इस वीडियो के अंदर अपन है ना ये पूरा जो फोर्ट है ये पूरा कवर करने की ट्राई करेंगे। बाकी इसकी जो एंट्रेंस है वो बाहर की तरफ है, तो अभी यहाँ से सीधा बाहर चलते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी एंट्रेंस क्या है और फिर चलेंगे सीधा इस किले के ऊपर जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। तो भाई ये सामने से मेन एंट्रेंस, यहाँ से इस किले के अंदर भाई एंट्री होती है। एंड ये जो गाड़ियाँ है ना इलेक्ट्रिक, ये भाई अपने को ऊपर किले तक लेके जाती है, क्योंकि ये जो चढ़ाई है ना वो ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर के आसपास बताई जा रही है। तो इतनी दूर भाई पैदल तो कैसे चलेंगे ना। तो मैंने भी है ना ऊपर जाने के लिए भाई इसकी टिकट ले ली है, तो अभी इसके अंदर बैठ के चलते हैं ऊपर। इस वाली में जाना है सवा किलोमीटर अंकल ऊपर ही। ओके, तो गाइज अभी है ना इस इलेक्ट्रिक गाड़ी से ऑलमोस्ट 1 से 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई करके अपन है ना इस किले के ऊपर फाइनली पहुंच चुके हैं। एंड भाई सीरियसली यहाँ पे भाई भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा है लोगों की, काफ़ी अच्छा टूरिस्ट पॉइंट है यार। बाकी यार देख लो ऐसा यहाँ का कुछ ऐसा व्यू है, मस्त यार जगह वैसे घूमने के लिए। तो ये देखो भाई सामने यहाँ पे जो स्कूल का, शायद ये किसी स्कूल का ट्रिप आया हुआ है, तभी भाई इतने सारे बच्चे हैं देखो। एंड ऊपर चलने से पहले है ना मेरे से यार एक चीज़ मिस हो गई जो कि इस मेन गेट के बाहर है, वो चलो मैं पहले आपको दिखाता हूँ। तो वो चीज़ भाई ये है, इतनी लंबी जो चढ़ाई है ना वो भाई अभी हम उस इलेक्ट्रिक गाड़ी से चढ़ के आए हैं जो कि भाई वास्तव में काफ़ी ज़्यादा ऊंची है। एंड एक और मस्त चीज़ देखो, ये देखो यार सामने एक चीज नोटिस की, आमेर के अंदर देखो भाई हाथी कितने ज्यादा है, यहाँ पे भी एक आती है। यार सीरियसली ये जो जगह है ना भाई काफी ज्यादा मस्त है, क्योंकि यार मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे भाई बहुत सारे जैसे फॉरेनर टूरिस्ट है ना वो भी यहाँ पे आए हुए हैं। एंड देख लो यार कितनी सारी पब्लिक यहाँ पे आती है भाई। अपन वापस अंदर आते हैं ना तो यहाँ पे भाई सामने अपने दिखाई देता है वेडिंग फोटो शूट, बढ़िया है भाई लगे रहो। ये जो एरिया है ये भाई इस किले के पीछे की साइड का है, तो यहाँ पे भाई व्यू तो काफ़ी अच्छा आता है। देखो ये सभी घर देखो भाई कितने नीचे है, एंड ये गाड़ियों की पार्किंग इस साइड में। यार यहाँ पे आना, एक तो मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ तो इससे एक ये प्रॉब्लम हो रही है कि मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि भाई यहाँ पे करना क्या है। तब से है ना मैं यहाँ पे बस ऐसे ही घूमे जा रहा हूँ और मेरे को कुछ पता ही नहीं है कि यार यहाँ पे क्या करें। बाकी उस जगह पे जैसे मैं जाने के ट्राई किया था यार वहाँ की तो टिकट लगती है, तो मैंने तो यार ये चीज़ तो कैंसिल ही कर दी कि एक तो यहाँ पे आए हैं ऊपर से यार टिकट्स खरीदो। अभी तो मैं देख रहा हूँ कि जैसे सामने ये जो जगह है ना अभी यहाँ पे चलते हैं सामने, यार वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, देखते हैं वहाँ पे भी कोई टिकट लगती है या फिर नहीं। हाँ तो यार अभी है ना एक बार अपना फिर से पॉपअप हो गया, क्योंकि वहाँ पे सामने आने एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था और उसने मना कर दिया अंदर जाने से, बोल रहा है कि टिकट लेके आओ। अब क्या करें यार, कितने टिकट खरीदे एक आदमी। हाँ तो यार अभी है ना मैं इस किले से थोड़ा सा बाहर की तरफ आ गया और यहाँ से मेरे को एक काफी ज्यादा अच्छा व्यू दिखाई दिया है। ये देखो यार क्या ही मस्त व्यू है भाई यहाँ का, देखो सामने एक झील है भाई पानी की, और इसके अंदर ये जो बना रखा है ना गार्डन टाइप में, ये काफी अच्छा लग रहा है। बाकी सामने देखो कितनी सारी कार पार्किंग है। तो गाइस ये जो जगह है ना, यहाँ पे यार ये जो आमेर फोर्ट है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब इससे ऊपर जाएंगे तो सामने है जयगढ़ किला, तो यार वो रास्ता वहां का है। तो यार अभी है ना मैं एक बार फिर से इस किले के पीछे की साइड में आ गया हूँ और यहाँ पे है ना वही भाई, यहाँ पे एक तो ये म्यूजिक बजाया जा रहा है, इसके अलावा जो अपना राजस्थानी कल्चर की जो चीजें होती है ना वो भाई यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिल रही थी, जैसे कि भाई सामने ये देखो, इसके अलावा नीचे की साइड में देखो यहाँ पे कितनी सारी स्टॉल्स लग रही है, और इनके अंदर जैसे राजस्थानी जूती वगैरह और ये काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही थी। एंड यहाँ से ऊपर की साइड में जो जयगढ़ दुर्ग है ना वो भाई प्रॉपर दिखाई दे रहा था।
तो अभी इन फ्यूचर में यहाँ पे कभी दोबारा आऊंगा ना तो जो जयगढ़ किला है तो यार वहाँ पे भी एक बार चल के आएंगे। और वैसे भी आज के लिए तो यार ये सब काफी यार, जगह तो सही है यार ये भी घूमने के लिए। ओके तो गाइज अभी है ना अपन ने इस किले के अंदर काफी ज्यादा घूम लिया है और यार अब मैं काफी ज्यादा थक भी चुका हूँ, तो बस अभी यहाँ से चलेंगे सीधा अपने घर पे और इस व्लॉग को करते हैं यहाँ पे खत्म। व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय। But I've known you too long, it hurts to watch your blue.